नमस्कार दोस्तों फिर से मेरे एक बार आप सबका स्वागत है मेरी चैनल पे और मैं आपको आज प्रोसेस्ड फूड के बारे में बताने जा रही हूँ उससे पहले मैं कहूँगी प्लीज़ मेरी च, वीडियोस को देखिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए तो आज मैं बात करूँगी प्रोसेस्ड फूड के बारे में तो प्रोसेस्ड फूड या रिफ़ाइंड फूड क्या होता है तो ये ज़्यादातर आजकल जो हम खा रहे हैं या जो कुछ सब सुपर मार्केट में मिलता है ग्रोसरी में मिलता है वो पैकेट में आता है चाहे वो हो आपका सीरियल चाहे हो आपकी ब्रेड चाहे वो हो जैसे कि फ्रोज़न फूड्स हैं या कुछ रेडीमेड चीज़ें आती हैं जैसे कि आप माइक्रोवेव में उनको जल्दी से गर्म कर सकते हैं चाहे वो हो टिक्की समोसा कुछ भी हो ये सभी प्रोसेस्ड फूड है और इसी के साथ साथ जैसे नमकीनें होती हैं और चीज़ होता है यहाँ तक कि जो हम दूध खरीदते हैं अगर वो प्लास्टिक की बोतल में आ रहा है वो भी कुछ हद तक प्रोसेस्ड है तो सभी कुछ तो हम ऐसा नहीं खा सकते कि प्रोसेस ना हो आजकल के ज़माने में लेकिन हमें ध्यान रखना है ये सब कम से कम हो क्योंकि जो प्रोसेस्ड खाने होते हैं जैसे कि ब्रेड हुई केक्स हुई मफिन्स हैं कुकीज़ हैं बच्चे पसंद करते हैं चॉकलेट बार्स हैं और स्वीट्स हैं और आपका बहुत से सीरियल्स में शुगर मिला हुआ होता है सॉल्ट मिला हुआ होता है ये सभी जो हैं हमें नुकसान करते हैं तो हमको इनको बहुत कम करना है और कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो आजकल बच्चे बहुत पसंद करते हैं जो कि प्रोसेस्ड मीट्स होते हैं जैसे कि सॉसेज रोल हुआ जैसे कि सॉसेज हुआ जैसे कि बेकन सलामी और हैम ये सभी जो हैं ये हमारे लिए नुकसानदायक हैं तो हमें क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा हमें अनप्रोसेस्ड खाना या होल फ्रूट जिसको कहते हैं जो कि जैसा कि वो पाया जाता है वैसा ही हम उसको खाएं ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये कोशिश करनी है तो उसमें क्या आता है जैसे कि सारी आपकी सब्जियां हो गई और आपके फल हो गए और बहुत से जैसे सैलड्स हैं खीरा हुआ टमाटर हुआ इस तरह की चीज़ें और नट्स हैं और सीड्स हैं और दालें हैं होल ग्रेन्स हैं जैसे कि कम से कम पिसा हुआ कम से कम जो है आपका जो आटा होना चाहिए होल ग्रेन हो तो उसकी जो हम लोग जब उसकी जब आटा पिसता है बहुत कुछ उसमें निकल जाता है तो हमें होल ग्रेन आटा चाहिए होल व्हीट आटा और साथ ही कुछ ऐसे होल ग्रेन्स हैं जैसे कि जोहार बाजरा रागी जौ ये सब बहुत फ़ायदा करते हैं और ये जो है होल ग्रेन माने जाते हैं ऐसे ही जो ब्राउन वाला राइस आता है या रेड वाला राइस आता है वो फायदेमंद है लेकिन वाइट राइस जो होता है वो प्रोसेस्ड है उसमें से सारा जो है फाइबर निकल आता है काफ़ी न्यूट्रिशन भी निकल आता है तो ये जो चीज़ें हैं हम इनका ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे खाने खाएँ Uh, जो कि uh, जैसे पाए जाते हैं वैसा ही हम उसको खाएं होल फूड प्रोसेस्ड हम कम से कम रखें और बच्चों को भी हम ध्यान रखें कि बच्चों को भी चॉकलेट हैं स्वीट्स हैं केक्स हैं ये बाज़ार की जो चीज़ें हैं कम से कम अगर आपको बनाना ही है तो घर में बनाइए तो आपको पता होगा उसमें आप क्या डाल रहे हो लेकिन जब अब बाज़ार की कोई चीज़ खाते हैं या टिंड फूड हम लेते हैं या कोई भी पैकेज्ड फूड लेते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिली हुई होती हैं जैसे कि नमक तेज़ होगा शुगर होगा उसमें और उसमें से फाइबर निकला हुआ होगा और न्यूट्रिशन निकला हुआ होगा तो इनसे क्या हमको नुकसान होता है तो सबसे पहले तो हमें वजन बढ़ने की बहुत संभावना है और वो भी हमारे जो पेट के आसपास जो वज़न है वो ही बढ़ने की ज़्यादा संभावना है और वो ही सबसे ख़राब है हमारी सेहत के लिए तो हमें ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को कम से कम खाएँ और फिर साथ ही और चीज़ भी एक चीज़ जो मिलता है बाजार में बच्चे बहुत पसंद करते हैं उसका भी ध्यान रखना है कि वो भी प्रोसेस्ड है उसमें काफ़ी फैट मिला हुआ होता है तो उसको भी आप कम से कम खाएं और उसमें नमक भी होता है साथ में तो ऐसे आपको ध्यान रखना है और आ, मैं कहना चाहूँगी कि प्रोसेस्ड फूड का सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि उसमें फाइबर निकला हुआ होता है तो वज़न जल्दी बढ़ता है और पेट के चारों तरफ चर्बी बढ़ती है और इससे हमको रिस्क बढ़ता है हमें हार्ट की बीमारी होने का यानी कि दिल की बीमारियाँ और स्ट्रोक कैंसर डायबिटीज़ जब आगे चल के होती है टाइप टू डायबिटीज़ और डिमेंशिया और जितने भी हमको प्रॉब्लम्स जो हमको वजन बढ़ने से होती हैं सब की संभावना बढ़ जाती है तो हमें कम से कम प्रोसेस्ड खाना खाना है ज़्यादा से ज़्यादा होल फूड खाना है सब्जियाँ खानी हैं दालें खानी हैं और चना राजमा इस तरह के हमको चीज़ें खानी हैं और अगर मीट अगर आप खाते हैं तो उसमें खाइए लीन मीट यानी कि फ़ैट उतरा हुआ मीट और रेड मीट जो है उसको अवॉइड करें उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है और प्रोसेस्ड मीट्स को बिल्कुल ना खाएं और साथ ही मैं कहूँगी कि आ, आप ज़्यादातर जो है होल ग्रेन ही खाएं और फल और सब्ज़ी पे और दालों पे ज़्यादा ध्यान दें यही सब हमको फ़ायदा करती हैं आगे चल के भी और हमको कम संभावना रहती है कि आगे चल के हमको कोई ना कोई हेल्थ जो हमारा लाइफस्टाइल है जीवन शैली से संबंधित बीमारियाँ हैं उनको कम करने की आ, यही हमारी एक आ, यही एक तरीका है और इसके साथ साथ व्यायाम कीजिए पर प्रोसेस्ड फूड कम से कम कीजिए थैंक यू